अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ राघव, किसका फोन है? वो उर्वशी का फोन है, पता नहीं अब क्या हो गया। हाँ तो उठाओ और स्पीकर पे रखो। हाँ बोलो। अब खुश हो आप सब? आज आपकी वजह से मेरी बेटी आलिया जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उर्वशी साफ साफ बताओ बात क्या है। आलिया ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। अरे ये लड़की वापस आई है तो कोई ना कोई मुसीबत तो होगा ही ना घर में। अरे हमको तो ये समझ में नहीं आता कोई अपनी जान लेने की कोशिश कैसे कर सकता है। तुम्हारा तो हमारे मायका जो उसने एक्सीडेंट वाले दिन पहनी थी। इसका मतलब वो आप थी जो हमारे मायका को टक्कर मारकर भाग गई थी। कोई तेरी बात नहीं मानेगा। और भूल मत, पिछली बार तो गलती से तेरी माई को टक्कर लगी थी, लेकिन इस बार वो गलती नहीं होगी। बुआ जी हम तो कह रहे कि वही नाटक कर रही है। जैसे उसने अपने पाँव पे ना खड़े हो पाने का नाटक किया था वैसे ही वो अभी नाटक कर रही है। उसका सच बाहर आ गया तो वो मरने का नाटक कर रही है जैसे पहले कर रही थी। बुआ जी मुंह बंद रख अपना। हमारे परिवार में दखल देने की कोशिश मत कर। मालिक और नौकर का रिश्ता है तेरा और हमारा। इस घर का खास सदस्य बनने की कोशिश मत कर। दीदी मैं आपको इसी मकसद के बारे में बताना चाह रही थी। हमारे घर परिवार के मामलों में बोल करके ये हमारे घर का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है। कमला वो सब हम बाद में देखेंगे, अभी चलो सब अस्पताल आलिया को देख कर आते हैं। बुआ जी अगर आप आज्ञा दे तो हम भी चले आपके साथ। काहे डॉक्टर बाबू करते करते तुम खुद डॉक्टरानी बन गई हो, वहाँ जाके इलाज करोगी, रहो घर में चुपचाप। चलो सब। इस बार तुम कुछ भी कर लो आलिया, पर हम तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होने देंगे। आयुष बेटा आलिया कैसी है? माँ क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? हमें आलिया की फिक्र है, उसका हाल जानने आए हैं। बताओ कैसी है वो? आज आप लोगों ने दिखा दिया है कि आप लोग आलिया को कितना अपना समझते हैं। और अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और खास तौर से उस गहना को जिसने मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाया है और जिसकी वजह से आयुष्मान और आलिया का रिश्ता टूटा और आज उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। उर्वशी जी मुझे माफ कर दीजिए। आलिया ने इस चिट्ठी पे लिखा है कि वो कहना की वजह से अपनी जान दे रही है, तो अगर आलिया को कुछ भी हुआ तो कानूनी तौर पे सारा दोष कहना पे आ जाएगा। बस आलिया ठीक हो और उसकी वजह से डॉक्टर बाबू को कोई परेशानी ना हुई हो, लेकिन उसका कमरा कहाँ है? हाँ पंडित जी मैं अभी आ रही हूँ गहना की कुंडली लेके। लगता है उर्वशी जी आलिया के कमरे की तरफ जा रही है, हम भी उनके पीछे जाते हैं।
बुढ़िया की माई ने अस्पताल में पंडित जी को कहा बात करने के लिए बुलाया? पंडित जी, जैसा आपने कहा था, ये है उस लड़की की कुंडली। अब आप मुझे ये बताइए कि उससे पीछा कैसे छूटेगा? ये उर्वशी जी किसकी कुंडली दिखा रही है और किससे पीछा छुड़वाने की बात कर रही है? बोलिए पंडित जी। वो लड़की, क्या नाम बताया था आपने उसका? पंडित जी, क्या नाम? तुम यहाँ? वो डॉक्टर बाबू, हम यहाँ आलिया को देखने के लिए आए थे, पर क्या हुआ? कुछ नहीं, आप ठीक तो है ना? आलिया ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, उसकी वजह से आपको कुछ नहीं होगा ना? हम जानते हैं आलिया गलत है, पर उसकी सजा आपको तो नहीं मिलेगी ना? बेचारी गहना, अगर आलिया को कुछ भी हुआ तो सारा दोष गहना पर आ जाएगा, पर मैं ये नहीं चाहता कि गहना के साथ कुछ भी अन्याय हो। मैं ठीक हूँ, आलिया आईसीयू में है, उसका इलाज चल रहा है, तुम आओ मेरे साथ। पंडित जी, यही वो लड़की है जिसकी मैंने आयुष्मान से पकड़वा शादी कराई थी, लेकिन अब आयुष्मान और गहना की वजह से आर्यन ने जो अपनी हालत कर ली है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। आप उचित कह रही है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे दीदी ने मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर यहाँ क्यों आई तू? आलिया की इस हालत का भी तमाशा बनाना है तुझे? अच्छा हुआ जो ये यहाँ आ गई। बहुत शौक है ना तुझे मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाने का? उर्वशी, जरा जगह और समय देखकर तो बात करो। अंदर आलिया का इलाज चल रहा है और तुम यहाँ तमाशा लेकर बैठ गई। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी बेटी को इंसाफ मिल सके। सबको सच पता चलना चाहिए कि आलिया ने अपाहिज होने का कोई झूठ नहीं बोला था। बताइए डॉक्टर, सब कुछ सच सच बताइए, आलिया की रिपोर्ट्स में क्या लिखा था? ये बात बिल्कुल सच है, आलिया की मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से वो चल नहीं सकती थी। इनफैक्ट उसके पैरों का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं था। नहीं, ये झूठ है। आलिया की असली रिपोर्ट तो हमने अस्पताल से निकलवाई थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि आलिया चल सकती है। शट अप! पहले तो मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाकर उसका रिश्ता तोड़वाया और आज मेरी बेटी की जो भी हालत है ना, वो सिर्फ तेरी वजह से। जी क्या कह रही हैं? आलिया ने अपनी जान लेने की कोशिश की तो इसमें गहना की क्या गलती? अच्छा, तो आलिया ने अपनी जान लेने की कोशिश किसकी वजह से की? बोलो आयुष्मान, तुम्हें क्या लगा मुझे अपनी बेटी की चिट्ठी के बारे में पता नहीं चलेगा? चिट्ठी निकालो आयुष्मान, दिखाओ सबको उस चिट्ठी में क्या लिखा है। दिखाओ चिट्ठी। कैसी चिट्ठी आयुष्मान? आयुष्मान, उर्वशी कौन सी चिट्ठी की बात कर रही है, दिखाओ जरा। आयुष्मान, चिट्ठी दिखाओ। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये चिट्ठी मेरी बेटी ने लिखी थी अपनी जान देने की कोशिश करने से पहले। इसमें उसने साफ साफ लिखा है
कि वो ये सब कहना की वजह से कर रही है। तो गिरफ्तार कीजिए इसे, डालिए इसे जेल में। हमें पूछताछ के लिए आपको थाने लेकर चलना होगा। हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आप बोलिए इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं? पैसे नहीं ले जा सकते। आलिया कैसी? डॉक्टर साहब एक मिनट रुके। आलिया की जान अब खतरे से बाहर है और वो होश में भी आ चुकी है। उसे आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो कुछ देर बाद जाकर उससे मिल सकते हैं। आप भी साथ में चलिए इंस्पेक्टर साहब, अब पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बेटी खुद गवाही देगी इस गहना के खिलाफ। चलिए। दे फोन, चल सफाई कर। पर मैं क्यों? मैं क्यों मतलब? जितना बोला उतना कर, सफाई कर। यहाँ पे भी, यहाँ, यहाँ। और ये सब करने के बाद जो दिवाली की मिठाई बची है ना, वो जाके रख के आना। माँ ये सब क्या है और मुझसे क्यों करवा रहे हो ये सब? तुझे दिखाने के लिए। अगर तू भी कोई ऐसी बीवी लेके आ गया ना जो आलिया की तरह बात बात में ड्रामा करे, तो हमारी भी यही हालत होगी। तो याद रख, अपने भाई की तरह ना किसी के साथ प्यार व्यार में पड़ के ना शादी मत कर लेना। तू ना सिर्फ मेरे पसंद के लड़के से शादी करना, ताकि हम उसके इशारे पे नहीं वो हमारे इशारे पे चले। माँ ये आप क्या बोले जा रही हो? सही तो बोल रही हूँ। तो कहा मेरी कसम कि तू सिर्फ मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा? कहा मेरी कसम तू बता। हाँ हाँ, आपकी कसम आपकी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। खुश अब? बहुत खुश। हाय मेरा बच्चा, ये ले अपना फोन, याद रखना मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। माँ आपको नहीं पता कि आयुष्मान भाई किस दुविधा में फंस गए। खपुरिया गांव में उनकी और गहना की पकड़वा शादी हो चुकी है और गहना ही उनकी असली पत्नी है और वही उनकी पत्नी बनने के लायक भी है। भगवान जाने आलिया से कब छुटकारा मिलेगा भाई को। हले बेटा, तो ठीक तो है ना? आलिया जी, इस लड़की की वजह से आपने खुदकुशी करने की कोशिश की है क्या? क्या आप इनके खिलाफ केस दर्ज करना चाहती हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई भी केस कोई भी शिकायत नहीं करनी है। बेटा तू ये क्या बोल रही है? इस लड़की को जेल भिजवा। आज तेरी जो हालत है ना वो इसी की वजह से है। नहीं मम्मा, मुझे कोई केस कोई कंप्लेन नहीं करनी है। I'm sorry इंस्पेक्टर साहब, आप जा सकते हैं। देखा तूने मेरी बेटी का दिल कितना बड़ा है? अगर आज ये चाहती तो तुझे जेल भिजवा सकती थी, पर इसने ऐसा नहीं किया। हम जानते हैं इस सबके सामने महान बनने के पीछे भी तुम्हारा कोई नाटक ही आ लिया। जिस तरह तुमने हमारी माई को चोट पहुंचाई थी, फिर खुद को अपाहिज बताया, इस बार भी तुम्हें नाटक सबका ध्यान और दया पाने के लिए कर रही हो। पर अपनी जान को खतरे में डालकर सबको जबरदस्ती करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरों के भावनाओं के साथ खेलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। थैंक यू आलिया, तुमने गहना के खिलाफ रिपोर्ट नहीं की। आयुष्मान, मुझे गहना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है तो तुमसे। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आयुष्मान, तुम मुझसे शादी करोगे? नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते।
बोलो ना आयुष्मान, तुम मुझसे शादी करोगे ना? क्योंकि अगर नहीं करोगे तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, मैं मर जाऊंगी। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, मुझे। आलिया, रुक जा बेटा, ऐसा नहीं करते, नहीं करते। नहीं माँ, अगर आयुष्मान मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं जीऊँ या मरूँ उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाऊंगी। नहीं बेटा, नहीं, नहीं। आयुष्मान तुझसे शादी जरूर करेगा। ये ले अंगूठी और अभी के अभी पहना आलिया को, और अपना रिश्ता सबके सामने पक्का कर आलिया के साथ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मैं तुझे अपनी जिंदगी से और खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मुझे माफ करना कहना, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ये देखकर, लेकिन माँ ने ये फैसला लिया है तो मैं उनके फैसले के खिलाफ कैसे जाऊं? हमारे सामने डॉक्टर बाबू की सगाई हो रही और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। खुश रहो आयुष्मान, मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई। कंग्रेचुलेशंस। वैसे अब तक जो कुछ भी हुआ है, ऐसे में इन दोनों की फौरन सगाई कर देना ही सही था। मम्मा, मैं एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाऊं, उसके बाद बुआ जी हम एक ग्रैंड पार्टी करेंगे, ठीक है? किस बात का जश्न बनाना है तुम्हें?
अपने गलत निर्णय का जश्न। तुम ना ही सगाई वाली अंगूठी पहनने के लायक हो और ना ही डॉक्टर बाबू की पत्नी बनने के। वापस करो अंगूठी। क्या कह रही हो तुम? हमने कहा अंगूठी निकालो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये सही है हमारा दिमाग। बिल्कुल सही कर रहे हैं। तभी हम जानते हैं कि तुम खुद की जान को नुकसान पहुंचाकर इन सब की भावनाओं के साथ खेल रही हो। ये जान देने की कोशिश करके सबको धोखा दे रही हो। लेकिन हम तुम्हारी चाल सफल नहीं होने देंगे। वापस दे लड़की। नहीं देंगे, तुम लायक नहीं हो इसकी। मुझे मेरी रिंग वापस दो। वापस दो मेरी रिंग। वापस दो। अरे छोड़ो उसे। नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की अपनी औकात भूल गई है। एक नौकरानी है लेकिन मुझे समझाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। अली छोड़ दे इसे बेटा। अरे क्या कर रहे हो? अली छोड़ छोड़ बेटा छोड़। सही बात बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, कोई और देखी नहीं। झूठी हो और हम ये एक बार नहीं बार बार कहेंगे। तेरे कुछ भी बोलने से कुछ साबित नहीं होता है, समझी तू? गलत। जैसे हमने पहले साबित किया था वैसे हम फिर से साबित कर देंगे कि तुम झूठी हो, सबको धोखा दे रही हो। और आयुष्मान के तलाक के कागज। भाई अब हमसे तो अंगूठा लगवा लेंगी पर डॉक्टर बाबू क्यों करेंगे ऐसा? ले बेटा ये तलाक के पेपर ले, इस पर दस्तखत कर दे। आज इस जबरदस्ती के रिश्ते को मैं जड़ से खत्म कर दूंगी।